सत श्री अकाल, दिस इज़ मानसी युवराज हंस। और आप लोगों के फीडबैक मुझे मिलते रहते हैं, आप लोग क्या वीडियोस देखना चाहते हो वो भी मुझे मैसेजेस आते हैं। सो मोस्टली अभी लोगों ने ये बोला था वो जलंधर वाला घर देखना चाहते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अब जलंधर वाले घर का वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँ। सो चलिए, अभी तो मैं बाहर हूँ, घर जाके मैं आपको अपना घर का वीडियो दिखाती हूँ। चंडीगढ़ वाला तो मैंने आप लोगों से शेयर किया ही था वीडियो, और अभी उधर रेनोवेशन चल रहा है, दैट ऑल्सो आई विल शेयर विथ यू गाइस। लेकिन आज मैं दिखाऊंगी आपको जलंधर वाला घर, सो कम विद मी। सो ये गेट, ये हमारा छोटा सा शाम को बैठने के लिए, जो कि अभी थोड़ा क्लीन करने वाला है। ये पहाड़ का एरिया है, देन ये घर है। ये यूवी सिंह की कार है, जो कि उनकी बड़ी लकी कार है, सो ये हमेशा उनके साथ रहती है। मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम ले चुकी हूँ। ओके रजनी जी, दरवाज़ा खोलते हुए, और ये हमारा ड्राइंग रूम है। रजनी जी प्लीज़ लाइट्स ऑन करें, वैसे तो ठीक है, बिना लाइट के काम चल रहा है। ये हमारे पिताश्री, ये ड्राइंग रूम है हमारा। ये मेरी गंदी सी फोटो है एंगेजमेंट की, जिसमें मेरा हॉरिबल मेकअप किया गया था। ये भैया भाभी हैं, पापा हैं जब उनको पद्मश्री मिल रहा था। ये मेरी दादी सास है, जो कि अभी नहीं है हमारे साथ, बट वी ऑलवेज मिस हर। मतलब हमारे घर की रौनक यही थे पापा। ये थोड़ा हमने साइड पे सिटिंग अरेंजमेंट रखे हैं बाबा जी, क्योंकि हंस पापा फॉलो करते हैं, राधा स्वामी जी हैं, एंड आई बिलीव कि जो पापा कहते हैं कुछ तो है शक्ति में। ये पापा के कुछ अचीवमेंट्स फोटोज हैं, एक और गंदी सी फोटो हमारी, पर चलिए कोई नहीं, मेमोरीज हैं। यहाँ एक डाइनिंग एरिया रखा हमने, कोई लाइट्स ऑन करेगा, यस। सिंपल एक वॉशरूम है वहाँ अटैच, और हमारी किचन है जो मैं अभी नहीं दिखा रही क्योंकि क्लीन होने वाली है। किचन से बाहर का रास्ता अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि किचन में आप लोगों से बात, ये दीदी हैं जो हमारे घर में खाना बनाती हैं। ओह माय गॉड, दीदी स्माइल करो। ये तो फिर ये लॉबी है जहाँ मेरी मदर इन लॉ ने ये सोफे मैचिंग करके लगाए हैं। ये उनका रूम है मॉमी, ये माताश्री का रूम है जहाँ न्यूज हमेशा चलती रहती है। ये ऊपर का एरिया है जहाँ हॉल जो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद ये एक रूम है। ऊपर दो तीन रूम हैं जो मैं अभी दिखा नहीं रही क्योंकि कोई रह नहीं रहा ऊपर के रूम्स में। और जो ये रूम है, ये हमने हंस पापा के लिए रेडी करवाया था, जो मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ में जिन्होंने हमारा डिज़ाइन किया था घर, उन्हीं से हमने ये एक्सपर्ट सॉल्यूशन से रेडी करवाया था। ये सारा वॉलपेपर, उनको सिंपल थीम चाहिए था, सो वी मेड इट लाइक दिस। सेंटर सोफा लगा है, थोड़ा सा हमने इधर उधर शिफ्ट के भी यूज़ कर रहे हैं हम। ये बेड है और अलमीरा है, साइड पे थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट रखा है, और ये साउंड प्रूफ है तो इसकी आवाज़ गूंज रही है अभी। ये बहुत सिंपल रखा है, बट ये पापा भी हमने रेडी करवाया, सो इट्स लाइक ये घर का जो रूप है। यहाँ पे है तो थोड़ा वॉशरूम है, आई शो यू नॉर्मल। सो अभी पापा यहाँ है नहीं है तो इतना यूज नहीं हो रहा है, सो इसीलिए ये बच्चा पार्टी है हमारे घर की जो हमारे घर दीदी काम करते हैं उनके बच्चे हैं। सो सिस्टर रूम, थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं इसे।
ये हंस पापा के बचपन की फोटो है। ये एक और एरिया है जहाँ अभी कपड़े रखे हैं, प्लीज अवॉइड। ये हमारा रूम है। आई होप आप लोगों को हमारा घर अच्छा लगा। अगर आप यहाँ भी कोई चेंजेस चाहते हैं तो आप हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए, अपने फीडबैक देते रहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, आगे वीडियोस क्या देखना चाहते हैं। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय।